तो स्टूडेंट आज मैं साइंस के जो साइंस की जो सीरीज चल रही है उसके लिए आगे का क्वेश्चन लेते हैं। 101 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं। ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को लिया गया है। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो गोबर गैस गैस प्लांट जो होता है, जो बनता है, यहाँ से कौन सी गैस मिलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन, अमोनिया। तो इसमें मीथेन मिलेगी और मीथेन का फार्मूला होता है CH4। CH4 होता है मीथेन का फार्मूला, ये होता है, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है। और मीथेन होगी गोबर गैस प्लांट में पाई जाने वाली गैस। अगला है, गोबर गैस का मुख्य घटक है, गोबर गैस जो होता है उसका मुख्य घटक क्या होता है? अगर मुख्य गैस पूछेगा मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, क्लोरीन, तो इसका मुख्य घटक अगर होगा तो इसका मीथेन ही होगा। इसका मुख्य घटक जो होगा मीथेन होगा, मीथेन CH4 इसका और सूत्र है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आप कई बार से घुमा करके क्वेश्चन किए जा रहे हैं। C2H6 ऐसे पढ़ा जाएगा, CH4, C2H2, C2H4। तो इसमें एथेन, एथिलीन, एसिटिलीन ये सब फार्मूले दिए गए हैं, लेकिन मीथेन का आपका CH4 होता है, ये आपका हो जाएगा CH4, रासायनिक सूत्र यही होता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया 2-3 बार, टेट में भी पूछा गया 1-2 बार। मीथेन, ऑक्सीजन, एसिटिलीन, मीथेन, किसका यूज किया जाता है इसमें? इसमें आपका एसिटिलीन दिया गया होगा, तो ये यूज किया जाता है, एसिटिलीन गैस यूज की जाती है फलों को पकाने के लिए। निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट यानी नोबल गैस नहीं है? आर्गन, रेडान, नियान, ब्रोमीन, और सभी हो जाएंगे इसमें, क्योंकि ब्रोमीन ये नहीं है। इनर्ट गैस 0 ग्रुप की गैसें होती हैं, आर्गन, रेडान, नियान ये सब होती हैं, ज़ेनान वगैरह, लेकिन ब्रोमीन उसकी श्रेणी की नहीं है, तो ये हो जाएगा नहीं है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रिस्टले, न्यूटन, चार्ल्स, मैडम क्यूरी। ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्टले ने की थी, ए राइट आंसर होगा, इसको लर्न रखिएगा आप लोग। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले, ओ से ऑक्सीजन का सिंबल होता है, उसे व्यक्त करते हैं। सोडा वाटर बनाने में प्रयोग की जाती है NO, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, क्या यूज होती है सोडा वाटर बनाने के लिए? इसमें जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है, CO2 यूज की जाती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आर्गन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम। तो इसमें आर्गन यूज की जाती है, जो विद्युत बल्ब होता है इसमें आर्गन यूज की जाती है, ए राइट आंसर होगा 108 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी है, ज्वलनशील होता है या दहनशील होता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, तो कौन सी सबसे ज़्यादा दहनशील गैस होती है? अगर हाइड्रोजन होगा तो यही दहनशील गैस हो जाएगी, इसको राइट आंसर लगाइएगा, नहीं ऑक्सीजन लगा दीजिए। प्लास्टिक सामान बनाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? इथिलीन, एसिटिलीन, इथेन, इनमें से कोई नहीं, इसमें हो जाएगा एसिटिलीन, एसिटिलीन ऑप्शन होगा, तो ये सही होगा, प्लास्टिक सामान बनाने के लिए यही गैस उपयोग में लाई जाती है। वीडियो अच्छा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रमुखतया कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन, मीथेन, इथेन और हेक्सेन, इथेन, हेक्सेन और नियान, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा ब्यूटेन और प्रोपेन, द्रवित पेट्रोलियम गैस में, पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः पाई जाती है ब्यूटेन और प्रोपेन। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, इसको तो लर्न रखिएगा, पूछ लेता है 6, 6, 8, 7 या 10, कितना होता है शुद्ध जल का पीएच मान? तो 7 होता है, यानी न्यूट्रल होगा उदासीन, 7 से ज़्यादा, 7 से कम क्या होता है, और इसको लर्न रखना होता है, आपको पूछता है कभी कभी, तो 7 होता है इसका पीएच मान।
निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? लोहे में जंग लगना, पानी का भाप में बदलना, दूध से दही का बनना, कोयले को जलाना, क्या रासायनिक परिवर्तन इसमें नहीं है? तो इसमें पानी का भाप में बदलना, पानी भाप में बदलेगा, इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। लोहे से जंग लगना ये भी धीरे धीरे होता रहता है, दूध से दही बनता है, कोयले को जलाना, तो ये हो जाएगा पानी का भाप में बदलना, ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है आश्विक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, क्या होता है इसमें? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल कार की बैटरी में जो अपघट्य प्रयुक्त होता है यही। चाय में कौन सा अम्ल होता है? यूरिक अम्ल, मेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टैनिक अम्ल, चाय का पूछ रहा है, तो टैनिक अम्ल अगर होगा तो ये राइट आंसर मिलेगा आपको, क्योंकि चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, टैनिक एसिड पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो खट्टे पदार्थों में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जो खट्टे पदार्थ होते हैं लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये हो जाएगा राइट। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर, 7 से अधिक, 10 से अधिक, क्या होता है? तो अम्लीय जो विलयन होता है एसिड सॉल्यूशन होता है, तो इसमें 7 से कम हो जाता है, क्षारीय का 7 से ज़्यादा हो जाएगा, एसिड एंड बेस जो होता है दोनों। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है, चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? ब्रूसिन, थीन, कैफीन, फेनिल एलानिन, क्या होता है इसमें? तो कैफीन अगर दिया होगा तो ये चाय में महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ होगा, क्योंकि कॉफ़ी में कैफीन होता है। वाशिंग सोडा है, क्या है ये? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, विरंजक चूर्ण, तो ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट है, ये वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है, वाशिंग सोडा सी राइट आंसर। सोडियम क्लोराइड का व्यापारिक नाम क्या है? इसका व्यापारिक नाम क्या है? धोने का सोडा, नीला थोथा, कास्टिक सोडा, साधारण नमक। सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, साधारण नमक बोलते हैं इसको, खाने के लिए यूज किया जाता है, साधारण नमक NaCl। ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन थे, अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो वीडियो आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद। तो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग के लिए जो क्वेश्चन करवाए थे जनरल साइंस के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, रेलवे ग्रुप डी, UP BEd प्रवेश परीक्षा, TET, NC, TPC, ये सब के लिए है। जो 120 क्वेश्चन करवाए थे उसके आगे के प्रश्नों को आज हम स्टार्ट करते हैं, और आप लोग देखिएगा। ये आपका हो गया 121। क्वार्टज का रासायनिक नाम है, क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम फास्फेट, सोडियम सिलिकेट, इसका क्या नाम है आपको बताना है, क्वार्टज का रासायनिक नाम। तो सोडियम सिलिकेट अगर होगा तो ये राइट आंसर होगा, सोडियम सिलिकेट, ये क्वार्टज का रासायनिक नाम है, सोडियम सिलिकेट। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर का नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है, ये पूछा जाता है, इसकी प्रजाति कौन सी है? पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। तो सबसे अच्छी जो उत्तम किस्म का कोयला होता है या उत्तम प्रकार का कोयला होता है वो कौन सा होता है,
इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा एंथ्रासाइट, अगर होगा तो ये राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट, ये हो जाएगा राइट आंसर, सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार एंथ्रासाइट होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? कार्बन का शुद्धतम रूप बताना है कौन सा होगा, कोक, कास्ट कोयला, कोयला या हीरा, क्या होगा इसका? जो हीरा अगर ऑप्शन में होगा तो ये राइट आंसर हो जाएगा हीरा, क्योंकि कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा ही है, ये राइट आंसर होगा हीरा, डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट निम्नलिखित में से किस सेल में पाया जाता है? ग्रेनाइट किस सेल में पाया जाता है, कायांतरित सेल में, आग्नेय सेल में, कायांतरित सेल, आग्नेय सेल में या औषधि सेल में, इनमें से कोई नहीं, किसमें पाया जाता है? इसमें आपका होगा आग्नेय सेल अगर ऑप्शन है तो ये राइट आंसर है, आग्नेय सेल में पाया जाता है ग्रेनाइट, आग्नेय सेल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? इसको आराम से पढ़िएगा क्वेश्चन, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता और टिन, किसका होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क, इसको याद रखिएगा आप, अयस्क का नाम रखिएगा और ये एल्यूमिनियम किसका, बॉक्साइट का, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको आपको लर्न रखना है। अगला प्रश्न है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? इसको याद रखिएगा अयस्क, क्रायोलाइट किसका अयस्क है, एंटीमनी, बेरियम, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, किसका होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, एल्यूमिनियम, क्रायोलाइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, इसको आपको लर्न रखना है, किसका है, एल्यूमिनियम का, कौन सा, क्रायोलाइट राइट आंसर। अगला प्रश्न है, टाका सोल्डर किसका मिश्रण होता है? जो सोल्डर होता है, सीसा व जस्ता का, सीसा व बिस्मित का, सीसा व ताबा का, सीसा व टिन का, किसका होता है ये? ये होता है सीसा व टिन का होता है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर डी, सीसा व टिन का होता है, ये सोल्डर जो टाका होता है या सीसा या टिन का होता है, राइट आंसर हो जाएगा। तांबा और टिन की मिश्र धातु कहलाती है, क्या होगी इसकी मिश्र धातु होगी, पीतल, सोल्डर, कांसा, नाइक्रोम, कौन सा होगा? इसका कांसा हो जाएगा, तांबा और टिन ये दोनों, इसकी जो मिश्र धातु बनती है ये कांसा बनेगी, कौन सी बनेगी, कांसा बनेगी, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा कांसा। किस मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान के हिस्से बनाने में किया जाता है? जर्मन सिल्वर, टाका, मोनल धातु, उसके बाद ड्यूरेनियम, किसका होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा राइट आंसर डी होगा, ड्यूरेनियम, ये जो होता है वायुयान के हिस्से बनाने में यूज किया जाता है, ड्यूरेनियम, ये इसका राइट आंसर होगा। पीतल किसकी मिश्र धातु है बताना है, तांबा व टिन, तांबा व एल्यूमिनियम, तांबा व जस्ता, उपयुक्त सभी, पीतल किसकी है बताना है, मिश्र धातु, तो सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, पीतल किसकी है, तांबा और जस्ते की मिश्र धातु है, इसको याद रखिएगा, कई बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको याद रखिएगा, किसका है, पीतल किसकी मिश्र धातु है, तांबा और जस्ते की, राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? जल का वाष्प में बदलना, दूध से दही का बनना,
मोम का पिघलना इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? सेकंड वाला मिलेगा आपको। ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही का बनना। ये आपका क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही का बनना। राइट आंसर आपका हो जाएगा ये पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, विरंजक चूर्ण, सोडियम, इनमें से कोई नहीं। तो किसके कारण होती है इसकी उपस्थिति? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल की कठोरता जो होती है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता होती है किसकी उपस्थिति के कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के नाइट्रेट के कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट से। किससे होती है इसको बताना है। तो इसका कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसके कारण होती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्थायी कठोरता जो होती है इसके कारण होती है, इसका राइट आंसर होगा। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। सी राइट आंसर। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। किससे तैयार की जाएगी? अब जानते हैं शुष्क बर्फ जो होती है ये जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार की जाती है, यानी इसका फार्मूला क्या होगा? CO2 से तैयार की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये राइट आंसर ए हो जाएगा, CO2 से तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारी जल यानी D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है? बर्फ, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, आसुत जल, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? अगर कहीं आपको ऑप्शन में मिलता है D2O मिलता है यानी भारी जल, ये आपका हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये हो जाएगा भारी जल, इसे कहा जाता है। आपका बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र डैश डैश ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ग्रहों, जीवाश्मों, शिशुओं, चट्टानों, किसके लिए यूज किया जाता है? इसमें अगर जीवाश्म आपको मिलेगा तो ये राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए? जीवाश्म के लिए। तो रेडियो कार्बन डेटिंग इसको याद रखिएगा, और जीवाश्म को उम्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, क्या होता है? अगर जंग लगेगा तो उसका भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लोहे में जंग लगेगा तो उसका भार बढ़ जाएगा, ये राइट आंसर होगा। रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? ये तार्किक क्वेश्चन है, समझिएगा, लोग पूछते भी हैं। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पौधे, लेते हैं ऑक्सीजन, छोड़ते हैं क्लोरीन, छोड़ा करते हैं। तो इसमें क्या होगा आपका राइट आंसर? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पौधे, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसीलिए रात में पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि? क्लोरीन युक्त पानी हल्का होता है, क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है, क्लोरीन मिलाने से पानी का स्वाद अच्छा हो जाता है, ये सभी। इसका क्या होगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है, इसलिए क्लोरोनी किया जाता है, क्लोरीन करणयुक्त किया जाता है जल का। अगला है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? दो तीन चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या क्या है? तंत्रिका कोशिका, मांसपेशी कोशिका। तो स्टूडेंट, अब मैं आप लोग के लिए, अभी तक तो फिजिक्स के क्वेश्चन चल रहे थे और रसायन विज्ञान के, अब बायोलॉजी के कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूँ, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है कौन सी? तंत्रिका कोशिका, मांसपेशी कोशिका, यकृत कोशिका, वृक्क कोशिका, कौन सी है, कौन सी कोशिका है?
इसमें तंत्रिका कोशिका, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होगी ये होगी तंत्रिका कोशिका, राइट आंसर। ये कोशिका है तंत्रिका कोशिका, राइट इसको लगाइएगा। अगला है, मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं? 44, 48 पेयर्स पूछा जाता है, 46, 23। इसमें क्रोमोसोम पूछेगा आपसे तो इसमें होते हैं 46। 46 जो होते हैं इसमें, यानी 23 जोड़े होते हैं और 23 ये 46 हो जाता है, टोटल 46 हो जाएंगे। तो मानव में पूछेगा तो ये 46 हो जाएंगे। जो 22 जो होता है मेल एंड फीमेल में, 22 जो पेयर्स होते हैं ये दोनों समान होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है ये पुरुष में भिन्न होता है। तो 46 हो जाएगा क्रोमोसोम की संख्या। अगला क्वेश्चन, तो क्रोमोसोम की संख्या पूछी गई, मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं, तो वही क्वेश्चन है ये, 46 होगा 46। आनुवंशिकता के अध्ययन को क्या कहते हैं? एनाटॉमी, साइटोलॉजी, जीनियोलॉजी और उसके बाद जेनेटिक्स, क्या कहते हैं इसके अध्ययन को? तो इनके इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता के अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं, ये राइट आंसर डी हो जाएगा, जेनेटिक्स। जेनेटिक कोड की खोज किसने की? विलियम हार्वे, हरगोविंद खुराना, लुई पाश्चर, एफ वेटिंग्स। इसमें इसकी खोज हरगोविंद खुराना ने की थी, जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। डीएनए किससे संबंधित है बताना है, आरएनए से, डब्ल्यूबी से, आरबीसी से, इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए की संरचना होती है डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है, इसके संबंधित है आरएनए से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आरएनए से संबंधित है। डीएनए डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसके बाद आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये हो जाएगा दोनों का फुल फॉर्म और ये आरएनए से संबंधित है। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है कहाँ से? एंजाइम के क्षरण से, हार्मोन के क्षरण से, उत्कों में ऑक्सीजन पहुंचाकर, एंजाइम द्वारा ग्लूकोज के उत्तरोत्तर से। इसमें हो जाएगा उत्कों में ऑक्सीजन पहुंचाकर, ऊर्जा की जो उत्पत्ति होती है वो मानव शरीर उत्कों में ऑक्सीजन पहुंचाकर के होती है, राइट आंसर। मानव शरीर में सबसे लंबा ऑर्गन है? मस्तिष्क, यकृत, लीवर, गुर्दा, किडनी, हृदय, कौन सा है? इसमें हो जाएगा यकृत या लीवर दिया होगा तो ये होगा राइट आंसर, दूसरा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा का संश्लेषण किसमें होता है? राइबोसोम में, किडनी में, माइटोकांड्रिया में, लाइसोसोम में, किसमें होता है? इसमें तो माइटोकांड्रिया में होता है, मानव शरीर में वसा का संश्लेषण माइटोकांड्रिया में होता है, राइट आंसर हो जाएगा माइटोकांड्रिया। अगला क्वेश्चन, यकृत लीवर का कार्य है भोजन का पाचन बढ़ाना, श्वसन बढ़ाना, ग्लूकोज को ग्लूकोज के रूप में संचित करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करना हो जाएगा, यकृत लीवर का यही वर्क होता है, डी राइट आंसर होगा। ये बायोलॉजी के प्रश्न है, आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मांसपेशियों में किसी द्रव को एकत्रित होने के से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल के, ऑक्जेलिक अम्ल के, यूरिक अम्ल के या पाइरूविक अम्ल से? कौन सा ऐसा एसिड होता है जिसके इकट्ठा होने से थकावट होने लगती है? कौन सा होगा तो ये लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा तो उससे क्या होता है बॉडी में थकावट आती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, अग्नाशय, स्ट्रेपी, अमाशय, ये पूछा आपसे।
अगर कहीं पे लीवर का नाम आएगा तो यही होगा फर्स्ट। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ग्रंथि का नाम आएगा तो लीवर होगा। राइट आंसर लीवर। 152वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 10%, 20%, 5%, 80%। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मानव शरीर में इसमें लगभग 80% होती है, जो जल की मात्रा होती है 80% होती है। और ब्लड जो होता है 5 से 6 लीटर होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन स्रावित होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्रावित यकृत से, किस अंग से या किस पार्ट से स्रावित होता है, इसको बताना होता है। अग्नाशय से, प्लीहा से, थायराइड ग्रंथि से। तो इसमें होगा दिया गया आपका अग्नाशय से, अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। इंसुलिन स्रावित होता है तो ये अग्नाशय से। मानव शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, यकृत, तिल्ली, पित्ताशय की थैली, पैनक्रियाज, किससे होता है ये। इसमें का यकृत है जो शरीर के किस भाग से पित्त का निर्माण होता है, तो यकृत से होता है पित्त का निर्माण। ये राइट आंसर यकृत हो जाएगा, इससे पित्त का निर्माण होता है। अगला है, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 200, 206, 175, 106, क्या होता है। तो ये आप जानते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है साइंस का। 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में, जो वयस्क होने पर 206 हड्डियां होती हैं। अगला हो जाएगा वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन होती है 72 बार प्रति मिनट, 70 बार प्रति मिनट, 80 बार प्रति मिनट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 72 बार, यानी 72 बार हृदय के जो हृदय जो धड़कता है 72 बार प्रति मिनट हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा 72 बार। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर, क्या मात्रा होती है। तो इसमें हो जाएगा 5 से 6 लीटर। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में जो रक्त की औसत मात्रा होती है तो 5 से 6 लीटर होती है। मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर अलग करता है, हृदय, फेफड़े, गुर्दा, आंत, क्या करता है, कौन सा पार्ट करता है। तो इसमें गुर्दा रहेगा, तो गुर्दा राइट आंसर हो जाएगा, ये अशुद्धियों को छाट करके अलग करता है। राइट आंसर गुर्दा होगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त शुद्ध होता है कहाँ पे, हृदय में, वृक्क में, फेफड़े में, इनमें से कोई नहीं। इसमें होता है, ये हो जाएगा, अगर वृक्क होगा तो वृक्क में होता है, इसमें रक्त शुद्ध होता है वृक्क में, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला होगा, शरीर में रक्त शुद्ध होता है तो ये वृक्क में शुद्ध होता है, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अस्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, वृक्क में, अस्थि मज्जा में, यकृत में, तिल्ली में, कहाँ पे होता है। तो इसमें अस्तनधारियों में जो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में जो होता है, लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इनका निर्माण होता रहता है अस्तनधारियों में। ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछता है कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ पे होता है, तो अस्थि मज्जा रहेगा, तो यही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट साइज के क्वेश्चन हैं, कई क्वेश्चन ऐसे जो आपके ऑल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पे भी पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जाता है। मधुमेह डायबिटीज़ का कारण क्या है, इंसुलिन की कमी, लार की कमी, लोह की कमी, शर्करा की कमी, क्या होता है। मधुमेह होता है, इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह हो जाता है, रोग हो जाता है, जो डायबिटीज़ हो जाता है लोगों को इंसुलिन की कमी से। अगला है, सर्वग्राहक रक्त ग्रुप होता है, कौन सा होता है। ब्लड ग्रुप आपसे पूछता है, तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, आपका हो जाएगा ए, आपका हो जाएगा ए एक प्रथम पे, बी हो जाएगा दूसरे पे, पहला बता देते हैं ए हो जाएगा, फिर दूसरे पे बी हो जाएगा, तीसरे पे हो जाएगा आपका ए बी, चौथे पे आपका हो जाएगा ओ। ए बी, ए बी और ओ 4 प्रकार के होते हैं, इसमें आपका जो हो जाएगा सर्वग्राही जो होता है ए बी होता है, आपका ए बी नाम रहेगा, तो ये हो जाएगा
एक्सेप्टर होता है या सर्वग्राही होता है, ओ का नाम आएगा तो यूनिवर्सल डोनर होता है यानी सर्वदाता होता है, सबको दे सकता है। एक्सेप्टर में आपका ये आता है तो आपका ए भी, इसमें ग्राहक पूछा है तो अब ए भी हो जाएगा राइट आंसर। चार प्रकार का होता है। इसकी खोज ब्लड की खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी, इसकी खोज कार्ल लैंड स्टीनर। अगला क्वेश्चन है आपका, सार्वत्रिक रक्तदाता समूह कौन सा है, ए बी, ए बी और ओ। तो अभिक्रम आपको हम बता दिए, आपका ओ है तो यूनिवर्सल डोनर है आपका, सार्वत्रिक रक्तदाता है जो आपका ओ है, इसको मत भूलिएगा। एक खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है, आप लोग को बताना है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, क्या दिया जाता है, कौन सी चीज़ दी जाती है। तो उसको तत्काल के लिए क्या दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, रिकेट्स है एक बीमारी, बहुत ही मांसपेशियों की, हड्डियों की, खून की, टिश्यू उत्काओं की, तो आप जानते हैं किससे होती है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होती है, किससे हो जाती है, ये हड्डियों की बीमारी होती है, इसे विटामिन डी आपको मिलता है सूर्य के प्रकाश से, इसमें आपके हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और सुबह के जो सूर्य के प्रकाश की कीड़े होती हैं उन्हीं को लेना चाहिए, रिकेस्ट के लिए सूखा रोग हो जाता है। रतौधि निम्नलिखित के कारण होती है, एड्रेनेलिन के अधिक प्रसाव से, विटामिन ए की कमी से, एक्स क्रोमोसोम्स द्वारा वंशानुक्रम, अधिक शराब पीने से, किससे हो जाती है ये आपको बताना है। इसमें सेकंड विटामिन ए की कमी से हो जाती है, रतौधि होता है विटामिन ए की कमी के कारण हो जाती है कम दिखाई देना, तो इसमें जो होता है इसकी जो उसके उपचार के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, साग ये सब खाना चाहिए जिससे इसकी पूर्ति हो जाती है, ये हो जाएगा विटामिन ए की कमी से हो जाता है रतौधि रोग जो आँख का रोग है। ट्रोकोमा किस अंग का रोग है आपको बताना है, ट्रेकिया, फेफड़े, जीहा, आँखें, किसका है यह है ट्रोकोमा, तो आपका आँखों का रोग है ये, ट्रोकोमा जो होता है आँखों का रोग है, फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट चल रहा है साइंस का, वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है, वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है उसे क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, मलेरिया, कैंसर। इसमें जानते हैं क्या होता है, हीमोफीलिया होता है जिसमें थक्का नहीं बनता, हो थक्का नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति डेड हो सकता है, उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि जो ब्लड होगा अगर कहीं चोट लगती है, कट जाता है तो बहना बंद नहीं होता है, इसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता, उसको हीमोफीलिया कहते हैं। अगला है, हैजा के टीका की खोज किसने की थी, जोसेफ लिस्टर, लुइस पाश्चर, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच। तो इसमें आपका आ जाएगा रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी, जो हैजे का टीका है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा भाग संधिशोध गठिया से प्रभावित होता है, जोड़, गला, आंखें और फेफड़े, कौन सा। इसमें जानते हैं गठिया रोग में जोड़ जो होता है वहां पे दर्द होता है लोगों को, यही संधिशोध इससे प्रभावित होता है, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, जोड़ गठिया हो जाएगा संधि। मियादी बुखार, आप टाइफाइड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मियादी बुखार, टाइफाइड, शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है, कौन सा पार्ट शरीर का प्रभावित होता है, फेफड़े, तिल्ली, लीवर, आते, कौन सा प्रभावित होता है, इसमें चार हो जाएगा ऑप्शन में, इसमें क्या होती हैं, आते प्रभावित होती हैं टाइफाइड में, इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड। अगला है, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है क्या आँखें, गला, यकृत, अग्नाशय, क्या होती है, तो इसमें गला आपका जो होता है ये डिप्थीरिया रोग से क्या होता है, गला आपका ग्रस्त होता है। अगला हो गया, मलेरिया रोग होने का कारण है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा प्रोटोजोआ, मलेरिया रोग होने का कारण है प्रोटोजोआ। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी, तपेदिक, सूखा रोग, घेगा, क्या होता है इसमें,
इसमें हो जाएगा सूखा रोग। आयोडीन की कमी से क्या होता है? आयोडीन की कमी से वैसे लेकिन घेघा होता है, जो जिसकी कमी से हो जाता है घेघा, आयोडीन की कमी से, इसलिए लोग आयोडीन युक्त नमक यूज करते हैं। मनुष्य मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पनीर, पालक, मछली, दूध, किससे? इसमें पालक का ऑप्शन होगा तो ये राइट आंसर हो जाएगा, लौह इसको इसी से मिलता है, पालक वगैरह बथुआ जो होता है इससे मिलता है आपको, ये पालक राइट आंसर लगेगा। मादक वाले पेय के अधिक सेवन से हानि होती है कलेजे को, मूत्रपिंड को, हृदय को, फेफड़े को, किससे? इसमें हृदय को ज़्यादा हानि होती है, जो मादक पेय पदार्थ वालों का अधिक सेवन करते हैं इससे उनको ज़्यादा हानि होती है। पेसमेकर का संबंध है किडनी, दिमाग, पांव, हृदय, इसमें आपका हार्ट से इसका संबंधित होता है पेसमेकर से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है। किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है, बच्चों को लगाया जाता है? पोलियो, राजक्षमा, TV, हेपेटाइटिस ए, खसरा, किसके लिए? इसमें हो जाएगा राजक्षमा, TV के लिए लगाया जाता है, जो ये लगता है TV के लिए। अगला हो गया, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? अब विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी। तब जानते हैं विटामिन ए से क्या होता है, रतौधि। विटामिन के ये जो होता है रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, विटामिन के इसका राइट आंसर हो जाएगा, थक्का जमने में जो करता है। तो ये आपके टोटल, तो दोस्तों आप लोग का जो साइंस का प्रैक्टिस है चल रहा है उस समय चल रहा है, बायोलॉजी के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो आप सभी लोग को अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कंपटीशन एग्जाम में लगातार पूछे रहते हैं और दोहराए भी जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को लेकर आता हूँ। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, कौन सा विटामिन होगा इसमें घाव को भरने में मदद करता है? तो अगर आपके पास ऑप्शन में विटामिन सी मिलेगा तो ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही विटामिन जो होता है घाव को भरने में सहायक होता है। अगला आपका 182 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इसमें आपको बताना है कि कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है। तो आपका नाम आ जाएगा विटामिन बी और सी, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी जो हैं ये आपके जल में घुलनशील विटामिन है दोनों, तो इसको याद रखना है आपको, कौन से विटामिन बी और सी अगर ऑप्शन में है तो ये दोनों सही होंगे, जल में घुलनशील है, बाकी जो हैं ए डी ई के ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ में भरपूर विटामिन सी होता है? मक्खन, दूध, कार्ड, यकृत तेल, आंवला, किसमें होता है? आंवला का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आंवले में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो बालों के लिए भी फायदेमंद होता है, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त करते हैं क्या प्राप्त करते हैं हम? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, तो बताना है क्या प्राप्त करते हैं, तो विटामिन डी राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य की रोशनी से हम क्या प्राप्त करते हैं? विटामिन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से विटामिन के सेवन से स्कर्वी रोग को दूर रखा जा सकता है? बी, सी, डी, ए, किसके सेवन से स्कर्वी रोग को दूर रखा जा सकता है? इसमें सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन स्कर्वी रोग विटामिन सी से, सी जो होता है इसके सेवन से स्कर्वी रोग से क्या होता है दूर रखा जा सकता है। अगला होगा, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, कौन सा विटामिन दूध में
नहीं पाया जाता। अगर विटामिन सी का नाम आएगा तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूध में नहीं पाया जाता है, कौन सा? विटामिन सी राइट आंसर हो जाएगा, यह दूध में नहीं पाया जाता है। अगला आंसर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित नहीं किया जा सकता? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो कौन सा संचित नहीं किया जा सकता है? विटामिन सी, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी को यकृत में संचित नहीं किया जा सकता है। अगला हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, बताइए राइट आंसर, कमेंट करिए। यह आपका हो जाएगा विटामिन सी। नींबू और संतरे में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। तो अभी आपके जो क्वेश्चन चल रहे हैं विटामिन सी से संबंधित क्वेश्चन चल रहे थे। विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है क्या? आलू, गाजर, प्याज, मक्का, बताइए कौन सा है इसमें? अगर गाजर आपको मिलेगा तो इसका राइट आंसर गाजर हो जाएगा। विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत क्या है? गाजर है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला, विटामिन ए की कमी से होता है कौन सा रोग, बताना है? बालों का गिरना, दस्त, रतौंधि, कमजोरी, क्या होता है, कौन सा रोग होता है विटामिन ए की कमी से? तो रतौंधि अगर रहेगा तो ये हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधि होता है। नाम मत भूलिएगा, आपको इधर उधर नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं होना है। कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा है यह आपको बताना है। आँखों के लिए विटामिन ए अच्छा होता है, क्योंकि रतौंधि रोग होता है, अगर विटामिन ए रहेगा तो यही अच्छा होगा आँखों के लिए, ए राइट आंसर होगा। अगला, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? सिट्रिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल, ऑक्जैलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, क्या है इसमें? तो अगर इसका क्या रहेगा विटामिन सी का रासायनिक नाम, बताइए आप लोग, एस्कार्बिक अम्ल होता है या एस्कार्बिक एसिड होता है? यह विटामिन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल या एस्कार्बिक एसिड। अगला है, एड्स रोग फैलता है कैसे? बैक्टीरिया से, वायरस से, मच्छर से, इनमें से कोई नहीं, किससे फैलता है? ये हो जाएगा AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है एड्स। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और यह वायरस से फैलता है। एड्स जो होता है वायरस से फैलता है, यह एक खतरनाक बीमारियों में से एक है। एड्स का अर्थ क्या है अभी आपको हम बता दिया, एक्वायर्ड इम्यून डिसीज सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंट सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इन्फेक्शन डिफिशियंसी सिंड्रोम, क्या होता है इसका राइट आपको बताना है, कौन सा फुल फॉर्म इसका सही होगा? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तीसरा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका जो वायरस होता है HIV होता है वायरस। अगला क्वेश्चन है, एलिसाट परीक्षण किसके लिए होता है? एड्स के लिए, टाइफाइड के लिए, पोलियो के लिए, कैंसर के लिए, किसके लिए? तो आपका एलिसाट टेस्ट का नाम आ गया है, तो एलिसाट टेस्ट जो करवाया जाता है ये एड्स के लिए करवाया जाता है, एलिसाट टेस्ट, एलिसा परीक्षण कभी कभी आएगा, तो ये भी किसके लिए होगा? एड्स के लिए होगा, इसको मत भूलिएगा आप लोग। 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है किसमें? केला, हरी सब्जी, दूध, सेब, किसमें पाया जाता है सबसे अधिक लोहा? तो ये हरी सब्जियां जो होती हैं, आयरन की मात्रा सबसे अधिक इसमें पाई जाती है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, हरी सब्जियों में सबसे अधिक लोह मात्रा पाई जाती है। किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? हीमोग्लोबिन, प्रहरित, क्लोरोफॉर्म, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसमें? अगर आपका प्रहरित हो जाएगा तो यही होगा, इसके कारण जो होती है पत्तियों का रंग क्या होता है, ये हरा होता है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट आपका है, अफीम पौधे के किस भाग से बनाया जाता है? जड़, तना, पत्ती, फूल, किससे बनता है ये, किस पार्ट से? तो आपका हो जाएगा फूल से बनता है, अफीम जो होता है पौधे के किस भाग से बनता है, तो ये फूल से बनता है। अगला क्वेश्चन है, प्याज परिवर्तित रूप है किसका? तने का, फल का, जड़ का, पत्तियों का, किसका परिवर्तित रूप है ये? तो ये जो प्याज हो जाएगा, ये तने का परिवर्तित रूप है, इसको मत भूलिएगा, प्याज तने का परिवर्तित रूप है।
और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। पूछता है यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों का, टेट सुपर टेट में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं इस संबंधित, लगभग इससे संबंधित, मसालों से संबंधित। तो इस जड़, तना, फल, बीज किससे होता है। ये जो हल्दी जो होता है तना से प्राप्त किया जाता है। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो तने से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो धन्यवाद।